तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम और तुम लोगों की याद और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। हाय एवरीवन, आप सभी को पता है और आप लोग देखे भी होंगे क्रिश क्रिश टू क्रिश थ्री। और दोस्तों आखिर तक क्रिश टू का यानी फोर का जो अपडेट आया आप लोग को जरूर जरूर इस वीडियो में पूरा पूरी बताऊंगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इस बार जो अपडेट आया है बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आया है क्रिश फोर के बारे में। और दोस्तों आप लोग को बता दूं क्रिश टू और क्रिश थ्री में जितना धूमस है वक्त बिस्फोर, अभी फोर से यानी इतना धूमस आने वाला है क्या बताओ। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि क्रिश फोर को यानी 2024 में शुरुआत में ही इसका शूटिंग वगैरह सीन चालू करने के लिए यानी एक बार अपडेट आया था। लेकिन दोस्तों आप जाकर जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट है कि इसका शूटिंग 2024 का इन टाइम में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका यानी राइटिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी का जो हिस्ट्री है वो अभी तक कम्प्लीटली नहीं हुआ दोस्तों, और इसकी वजह से थोड़ा लेट है। और इसमें और दो बात आया है कि इस बार जो मतलब मूवी आने वाला है और भी ऋतिक रोशन का जो जबरदस्त मूवी आने वाला है, जिस मूवी का नाम है फाइटर एक है। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ वार टू मूवी भी आने वाला है ऋतिक रोशन का, जिसमें यानी अभी काम पर बहुत ही व्यस्त है। और जैसे ही यानी फाइटर मूवी देखने के बाद यानी कुछ दिनों के अंदर में ख़त्म हो जाएगा शूटिंग वगैरह, और उसके बाद वार टू जिसमें आप लोग को बड़े बड़े सुपरस्टार कास्टिंग देखने के लिए मिलेगा, जैसे उसका पूरा कम्प्लीटली काम खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर आप लोग को इस मूवी का शूटिंग वगैरह यानी स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ इस बार जो इस मूवी में VFX यूज किया जाएगा एक हॉलीवुड का लेवल की यानी इसमें VFX यूज किया जाएगा। आप लोग को पता ही होंगे कि कितना ज़बरदस्त होने वाला है इस बार। और खुशी की बात यह है इस बार इंटरनेशनली इस मूवी को बनाया जाएगा और पैन इंडिया तो रिलीज़ किया ही जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ इस मूवी में मेन रोल में तो ऋतिक रोशन को ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा को देखने के लिए मिलेगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी का जो कहानी शुरू होने वाला है यानी जो 3 है वो 3 का इन टाइम से ही शुरू होने वाला है, और उस इन टाइम में यानी ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा देखने के लिए मिला है दोस्तों। और दोस्तों इस बार इस मूवी को यानी करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट करने वाला है, जिससे पहले जो डायरेक्टर था वो डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर इस करण मल्होत्रा को यानी हेल्प करने वाला है इस मूवी को यानी बनाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों हमेशा मैं न्यू मूवीज़ को बात करते रहो, वीडियो पसंद आता है तो क्या करना आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, किए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।